Hello friends, what's up? This is Sanjeev Khurana and I welcome you all again to my channel. So guys, in today's video I'll tell you how to lube your chain, as lubing your chain is very necessary because yes, it helps in increasing the mileage also. So you have to keep your chain clean. So without wasting any time, let's get into it. Let's get started. As you can see, the dust on this chain, and this is the starting point. You can see the dust, the thick layer of dust. So today I'll be using a product to clean the chain, and guys, the product is Royal Enfield chain lubricant, and this costed me around ₹200. Okay, so you can also buy it from the local market, or you can buy it from the Royal Enfield agency itself, Royal Enfield agency. So without wasting any time, let's get into it and I'll tell you how it looks. So this is a 150 ml bottle, and this straw is over here. So I'll open this. Okay, so this is covered and you have to open this thing. After that, you have to place this straw over here. As you can see, I have placed this thing, and ये कुछ hit जैसा लग रहा है, hit spray जैसा लग रहा है जो हम ad में देखते हैं. So चलिए guys, शुरू करते हैं. आपको करना कुछ नहीं है गाइस, आपको जस्ट सिर्फ ये स्प्रे करना है. यहाँ पे कोई एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको स्प्रे करना है, और साथ साथ आप अपना व्हील घुमाते रहिएगा ताकि पूरी चेन कवर हो जाए. सो आई विल स्टार्ट. कोशिश करिएगा कि जो प्रेशर है वो सेम रखो सबके लिए, ताकि जैसे मैंने एक राउंड पूरा कर लिया है, मैं फिर भी कर रहा हूँ, और आप मिडल में ही रखिएगा इसको ताकि वो दोनों साइड से कवर हो जाए. तो अभी इसको 2-3 मिनट के लिए रखते हैं और ये सारा हट जाएगा, थिकनेस सारी. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लग रहा है. उसके बाद आप एक चीज़ को गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू. और आप इसको सूखे कपड़े के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इससे ये ज़रूर है कि आपकी चेन बहुत जल्दी ऐसी, देखिए थोड़ा थिकनेस, थोड़ी गम सी आई हुई है इसके अंदर. सो थोड़ा स्टिंकी सा हो गया है, बट इट विल टेक सम टाइम. तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो साफ़ करने के लिए. सो इसको 2-3 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगा, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क आया इसमें. फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं. ऐसे वैसे मैंने इसको 5 मिनट के लिए सूखा छोड़ दिया था, तो मैं अभी एक ड्राई क्लोथ यूज़ करूँगा ये सारी डस्ट निकालने के लिए, और आपको दिखाऊँगा कि कितनी डस्ट निकलती है इस चीज़ से. सो आपको बहुत आराम से और बड़ी तसल्ली से इसे साफ़ करना होगा. सो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली. सो इट्स अप टू यू हाउ मच यू क्लीन दिस चेन. And yeah, it will take at least 15 to 20 minutes. So मैंने अभी सिर्फ एक चीज़ साफ़ करी, और आप देख सकते हो कि कितनी डस्ट है इस चीज़ में. So आपको सब सारी जितनी भी है सबको साफ करना है. मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ. आप देख सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस और इन सब में डिफरेंस. तो ये टाइम लेंगी, और ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे क्लीन भी हो रही है आराम चेन. तो चलिए, अब मैं आपको जब मेरी चेन पूरी क्लीन हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगती है.
गाइस मैंने सारी चेन क्लीन कर दी है और आप देख सकते हो डिफरेंस कि ये सब अब पूरी तरह क्लीन है। और अगर गाइस आप ये हफ्ते में या दो हफ्ते में एक दो बार भी करोगे तो आपकी चेन भी साफ रहेगी और ज़्यादा डस्ट होएगी चेन में आपकी, तो उतना ज़्यादा ही आपको नुकसान होगा उस चीज़ से, क्योंकि चेन भी कभी कभी ब्रेक हो जाती है अगर ज़्यादा डस्ट पड़ने लग जाए उस पर। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था कि जो मुझे तीन टिप्स दी गई थी रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस मैन था, उन्होंने मुझे तीन टिप्स दी थी, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी लिंक आपके ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप वो लिंक देखिए। उसमें तीन टिप्स थी और उसमें चेन एक टिप थी, बाकी दो टिप देखने के लिए आप वो वीडियो देखिए। तो यस गाइस, जो चेन है वो पूरी तरह लुब्रिकेट हो गई है, और अगर आप डिफरेंस देख सकते हो कि जब मैंने पहले टच किया था तो कितनी मैल थी लेकिन अब नहीं है। चलो ये मेरा हाथ गंदा, मैं अपना ये फिंगर या ये फिंगर चूज़ करता हूँ क्योंकि इनमें डस्ट कम है, तो आपको अभी शो करता हूँ कि कितनी डस्ट है। सो अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। ये लीजिए, मैं और भी करता हूँ, नहीं है डस्ट, अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। और वैसे भी ये रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट था तो काम तो करेगा ही। ये देखिए गाइस, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, एकदम से क्लीन हो चुका है। गाइस दिस प्रोडक्ट इज ऑसम एंड यू कैन बाय इट, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज ओनली, सो आई थिंक दैट इट इज वैल्यू फॉर मनी। एंड यस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली डू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द थम्स अप बटन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन गाइस प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन right at the top of the screen. And guys, if you wanted to catch me live on Instagram, the Instagram ID is floating right below the screen. So if you wanted to ask me something about the bike, so you can DM me, you can direct message me on the Instagram, and the Instagram ID you have seen. So guys, thank you very much, have a good day, ride safe, and always wear a helmet. Bye bye.